नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं सेंट बर्नार्ड वर्सेस तिब्बतन मैस्टिफ के बीच में। कंपैरिजन करके देखेंगे कि ये दोनों में से कौन सा डॉग ब्रीड ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ओरिजिन, सेंट बर्नार्ड का ओरिजिन स्विट्जरलैंड से है और तिब्बतन मैस्टिफ का ओरिजिन तिब्बत से है। यूजर्स रेटिंग में सेंट बर्नार्ड को 5 stars out of 5 stars मिले हैं और तिब्बतन मैस्टिफ को भी 5 stars out of 5 stars मिले हैं। साइज, सेंट बर्नार्ड जाइंट साइज के होते हैं और तिब्बतन मैस्टिफ लार्ज साइज के होते हैं। पॉपुलैरिटी रैंक, सेंट बर्नार्ड की पॉपुलैरिटी रैंक 48 है और तिब्बतन मैस्टिफ की पॉपुलैरिटी रैंक 53 है। प्राइज, सेंट बर्नार्ड का एक पपी इंडिया में 25,000 to 30,000 के बिल्स में मिल जाएगा, तो यहीं पे तिब्बतन मैस्टिफ का एक पपी 1 lakh to 1 lakh 20,000 के बीच में मिल जाएगा। वेट, सेंट बर्नार्ड में मेल्स और फीमेल्स दोनों की ही वेट 50 kg to 91 kg तक की हो सकती है, तो वहीं पे तिब्बतन मैस्टिफ में भी मेल्स और फीमेल्स दोनों की ही वेट 64 kg to 78 kg तक की हो सकती है। हाइट, सेंट बर्नार्ड में मेल्स और फीमेल्स दोनों की ही हाइट 61 cm to 70 cm तक की हो सकती है, वहीं तिब्बतन मैस्टिफ में मेल्स और फीमेल्स दोनों की ही हाइट 61 cm to 71 cm तक की हो सकती है। ट्रेनेबिलिटी, वैसे तो ये दोनों ही डॉग ब्रीड को ट्रेनिंग देना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन तिब्बतन मैस्टिफ को सेंट बर्नार्ड के मुकाबले ट्रेनिंग देना थोड़ा आसान होता है। इंटेलिजेंस रेटिंग में सेंट बर्नार्ड को 2 stars out of 5 stars मिले हैं और तिब्बतन मैस्टिफ को 3 stars out of 5 stars मिले हैं। वॉचडॉग एबिलिटी, सेंट बर्नार्ड बिल्कुल भी अच्छे वॉचडॉग नहीं होते हैं, तो वहीं पर तिब्बतन मैस्टिफ बहुत ही अच्छे वॉचडॉग माने जाते हैं। सोशल नीड, सेंट बर्नार्ड को ज़्यादा सोशलाइजेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहीं पे तिब्बतन मैस्टिफ को बहुत ही ज़्यादा सोशलाइजेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सेंट बर्नार्ड के मुकाबले तिब्बतन मैस्टिफ बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव और डेंजरस होते हैं। बार्किंग, सेंट बर्नार्ड बहुत ही कम बार्क करते हैं, तो वहीं पर तिब्बतन मैस्टिफ बहुत ही ज़्यादा बार्क करते हैं। टेम्परामेंट, सेंट बर्नार्ड की टेम्परामेंट इंडिपेंडेंट, हैप्पी, फ्रेंडली, जेंटल, गोइंग, सोशल और क्वाइट होती है, तो वहीं पर तिब्बतन मैस्टिफ की टेम्परामेंट स्टबबॉर्न, अलूफ, प्रोटेक्टिव, करेजियस, लॉयल और विल्ड होती है। बाइटिंग पोटेंशियल, सेंट बर्नार्ड की बाइटिंग पोटेंशियल मॉडरेट है, तो वहीं पर तिब्बतन मैस्टिफ की बाइटिंग पोटेंशियल बहुत ही हाई है। बाइट फोर्स, सेंट बर्नार्ड की बाइट फोर्स 400 PSI की होती है और तिब्बतन मैस्टिफ की बाइट फोर्स 550 PSI की होती है। प्लेफुलनेस, सेंट बर्नार्ड को खेलकूद में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, तो वहीं पर तिब्बतन मैस्टिफ सेंट बर्नार्ड के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा खेलकूद करते हैं। अपार्टमेंट फ्रेंडली, सेंट बर्नार्ड और तिब्बतन मैस्टिफ दोनों को ही अपार्टमेंट के लिए बेस्ट चॉइस नहीं माना जाता है, क्योंकि ये लार्ज साइज के होते हैं और इन्हें बहुत ही ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। लाइफ स्पैन, सेंट बर्नार्ड की लाइफ स्पैन 8 to 10 years तक की होती है और तिब्बतन मैस्टिफ की लाइफ स्पैन 10 to 14 years तक की होती है। कोट एंड कलर्स, सेंट बर्नार्ड लॉन्ग कोट के होते हैं और ये ट्राई कलर में पाए जाते हैं, ब्लैक, रेड, वाइट और रेड, वाइट और ब्राउन और ब्रिंडल कलर, तो यहीं पे तिब्बतन मैस्टिफ भी लॉन्ग कोट के होते हैं और ये ब्लैक, ग्रे, टैन, रेड, ब्लू और ब्राउन कलर में पाए जाते हैं। तो यारो, आज का कंपैरिजन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को ये दोनों में से कौन सा डॉग ब्रीड ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। बाय बाय।